सामने पेश किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी हम पर कोई गर्व नहीं करेगी। और यही कारण है, अभी कई वक्ताओं ने इस विषय को रखा है, सच्चाई है, प्रोफेसर संजय सिंह जी ने रखा है कि अपने इतिहास के अंदर प्राचीन समय में अपने कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं, लेकिन आज एक बच्चे से किसी से पूछा जाए विद्यालयों में एक का भी नाम नहीं बता सकता। क्या कारण है? इन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। हम अपने ऊपर क्या कभी गर्व करने का ऐसा कुछ अवसर खोजते हैं? अपने बच्चों का ऐसा गर्व करने का कोई अवसर देना पसंद करते हैं या करते हैं, या उस नीति के तरफ भागना पसंद करते हैं जिसने आज हम सभी को केवल नौकर बनाकर छोड़ा है? क्योंकि सभी के सभी सर्विस चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो जिसके माध्यम से शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। हमने ऐसा कभी विचार नहीं किया। क्या हमारे बच्चे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत निकल रहे हैं? उस विद्यालय की शिक्षा नीति या इस देश की शिक्षा नीति ऐसी है क्या कि जिसके माध्यम से हमारे बच्चे राष्ट्रभक्ति के प्रति भावना रखते हों, ऐसा भाव रखते हों और अपने देश पर उठने वाले आंखों को वो मोड़ने का साहस रखते हों? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, और वह कमी का कारण है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो शिक्षा नीति बनी उसमें बहुत सारे आयोग आए, बहुत सारी बातों को रखे हैं, परंतु उसमें परिवर्तन करने का साहस हमने ठीक से नहीं दिखाया। हाँ, परिवर्तन कुछ न कुछ हुआ है निश्चित रूप से, और आज आवश्यकता है उस अर्वाचीन, प्राचीन और इस आधुनिक को एक साथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की। और यह जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, इसी के ओर अपना काम कर रहा है। और आप सबों को आश्चर्यचकित रहेंगे यह जानकर कि अपने ही झारखंड में नवम कक्षा के बोर्ड के पुस्तक में वो पूरा संसार का जो मानचित्र दिया गया था उसमें भारत गायब था। जरा विचार करिए, NCERT का किताब और उसमें भारत ही गायब रहे, अपने देश का वो अपनी पुस्तक और उससे अगर भारत का नक्शा गायब रहे तो क्या स्थिति बनेगी, जरा विचार कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है, और वह NCERT के बुक के माध्यम से हुआ है। अपने देश के अंदर में ऐसी बातें आई हैं जो सुनकर के बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे ऐसे इतिहास लेखन भी किया गया है जिसके माध्यम से अपने बच्चे के मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी भावना भरी जाती है जिससे अभी एक वक्ता ने कहा था कि उस विश्वविद्यालय में देश के टुकड़े होंगे, ऐसा भाव पलट जाता है। उसका कारण वही है, इतिहास के माध्यम से हम ऐसा पढ़ते हैं, समझते हैं। इतिहास में लिखा गया सीता के बारे में गलत बातें की गई, हनुमान के बारे में कहा गया कि वो दांत झांक करते थे। ये कहानी सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, इतिहास की बातें नहीं है। क्या हम अभी विचार कर सकते हैं ऐसा कि हनुमान जो है वो दांत झांक करते थे दूसरे के घरों में? यह जब भगत सिंह को उग्रवादी बता दिया जाता है जिसने देश के लिए क्या नहीं किया, अपने जान ने उछावर किए, क्या हमने विचार किया है कि उस महापुरुष को, उस क्रांतिकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिला है क्या? यह जो भाव है, यह कहीं न कहीं हम सबों को विचारने के लिए यह अवसर दे रहा है। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इसी भाव को उभारने का काम पूरे देश में करता है। 80 ऐसे विषय थे, इसी प्रकार के मैंने जो अभी रखा है 80 विषय इस प्रकार से हटाए गए हैं पुस्तकों से, और ये माध्यम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है। केस किया गया है सुप्रीम कोर्ट पे, और इसके बाद ये सारी बातें पुस्तकों से हटाई गई हैं। हम सबों को भी, हम कई देख रहे हैं, बीएड कॉलेज से संबंधित हैं, कई अपने